आपसे कुछ देर पहले ही आज कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग देखने गोकुल सेतिया ने कांग्रेस का दामन थामा। अजय माकन भी मौजूद रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे, ज्वाइनिंग के समय हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं। सर, पहले भी हमने देखा कि आप चुनाव लड़ते आए हैं, इस बार कांग्रेस की ओर से क्या चुनाव लड़ने की तैयारी है? कुछ देर पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। देखिए मैम, उम्मीद पूरी है और आजकल में जो है लिस्ट आउट भी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी इस चीज़ से आश्वस्त किया गया है कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, जो भी आपकी इच्छा है उसको पूरा किया जाएगा, आपके इलाके का जो आपकी डिमांड्स हैं उस पर भी पूरा हर प्रकार से आपका बढ़िया योगदान रहेगा सरकार के अंदर, और आप अपने इलाके का पूरा विकास कराएं, हम आपके साथ हैं। गोकुल जी, लास्ट टाइम भी आप चुनाव लड़े थे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, जीत नहीं पाए थे, इस बार क्या माने कि बीजेपी के उम्मीदवार को टक्कर दे पाएंगे? देखिए ऐसा है कि मैंने 7 साल में अपना परफॉर्मेंस सिरसा की जनता को दिया है, और पिछले चुनाव में भी उन्होंने भरपूर मेरे पे विश्वास किया और आशीर्वाद दिया, तो अब तो देखो उम्मीद पूरी है, मैंने अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं, तो पूरी होप है कि लोग इस बार बढ़ चढ़ कर साथ देंगे। आपकी जो कंपटीशन है या जो लड़ाई है इस बार चुनावी मैदान में वापस से गोपाल कांडा के साथ होती है, पिछली बार भी हुई तो नहीं जीत पाए थे आप, इस बार लग रहा है आपको कि आप जीतने के और आगे बढ़ेंगे? देखिए मैंने आपको वही मैम बात कही कि अपनी तरफ से तो पूरा विश्वास भी है, और बाकी तो सिरसा की जनता ने अब देखना है कि मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर उम्मीद पूरी है, जो कि लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, जो कॉल्स आ रही हैं, उससे पूरी उम्मीद है कि सिरसा वाले इस बार पिछली कसर पूरी करेंगे। युवा उम्मीदवार होंगे, अगर टिकट मिलता है तो क्या लगता है जो क्षेत्र है वो क्षेत्रीय मुद्दे काम आएंगे, या इस बार जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर है? देखिए ऐसा है, मैं ये समझता हूँ कि लहर भी तभी बनती है जब काम हो। आज कहीं ना कहीं 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है उस करके आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी इसी करके मजबूत पूरी हुई है, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी से फेडअप हो चुके हैं, और ये चीज़ तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही एक्सेप्ट कर ली अपने चीफ मिनिस्टर बदल के, कि इनकी किस प्रकार से नेगेटिविटी थी, पर बड़ी देर लगा दी, 10 साल इन्होंने 9 साल खराब कर दिए, 9 साढ़े 9 साल, तो जनता अब इस चीज़ को अच्छे से समझ चुकी है, और इस बार बच्चे बच्चे के मुँह पर है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। देखा आपने, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए गोकुल सेतिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उम्मीद करता हूँ कि चुनावी मैदान में उतरूंगा, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि इस बार अगर मुझे टिकट दिया जाता है तो मैं जीत भी दर्ज करूंगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।